जय हिंद। कैसे हो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिवर्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है दोस्तों, उसके बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। वैसे तो हरियाणा में दोस्तों टोटल पूछ लिया गया कितनी नदियां हैं, तो मेन जो है दोस्तों वो 8 नदियां HSSC मानती है 8 नदियां। इसके अलावा और भी कई नदियां हैं दोस्तों, कई तो नदियां जो है लुप्त हो चुकी हैं, वो सिर्फ नाम किताबों में ही रह चुकी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है, हरियाणा की जो सबसे बड़ी नदी है, जो बारहमासी नदी है, उसका नाम क्या है दोस्तों? यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना रिवर, यमुना। तो यमुना जो नदी है दोस्तों, आपसे पूछ लिया गया है कि ये ऐसी कौन सी नदी है हरियाणा की जो कि अपर हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय से निकलती, ऊपर की हिमालय से। देखो ये जो बाकी नदियां हैं ऊपर की जो नॉर्थ में, जैसे घग्गर होगी आपकी, तांगड़ी होगी, मारकंडा, ये जो है शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। जो यमुना नदी है ना दोस्तों, ये ऊपर से निकलती है ग्लेशियर पिघलने से। ग्लेशियर पिघलता है उसी से यमुना नदी का निर्माण होता है, इसलिए बारहमासी नदी है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि यमुना नदी जो है, इसके और भी नाम है कहीं पूछ लिया गया। यमुना जो नदी है इसके और क्या नाम है? तो आप आंसर क्या दोगे? असीता नदी, कालिंदी नदी, सूर्यपुत्री कई जगह कहा गया है इसको। ठीक है ना, यमुना जो नदी है इसके और नाम क्या है दोस्तों? असीता नदी, कालिंदी, यम की बहन, सूर्यपुत्री, ये सारे जो है ना किसके नाम है दोस्तों? यमुना ही नदी के नाम। समझ गए बात? ये कुछ नाम हो गए। अब बात करें कि यमुना नदी जो है दोस्तों, ये निकलती कहां से है? यमुना नदी कहां से निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड से जो है ये नदी निकलती है, कहां से? उत्तराखंड से। आपसे एग्जाम में इंडिया क्वेश्चन आएगा कि यमुना जो नदी है वो कहां से निकलती है, तो क्या आंसर दोगे दोस्तों? उत्तराखंड में एक जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर का नाम याद रखना, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर और कितनी की हाइट से निकलती है? 6330 किलोमीटर की हाइट से जो है यमुना नदी निकलती है। जगह का नाम पूछे तो आप बताओगे बंदरपूंछ। बंदरपूंछ जो है ये जगह है जहां से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, यमुना नदी कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपूंछ जो है ये जगह का नाम दोस्तों। ठीक है, ये जगह का नाम है, 6330 किलोमीटर की हाइट से निकलती है। समझ गए बात? होगी क्लियर? अब जो यमुना नदी है दोस्तों, आपसे पूछ लेंगे कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंडिया की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो कौन सी है? यमुना नदी। ये गंगा की सहायक नदी है दोस्तों। किस नदी की? गंगा नदी की। क्या है ये? सहायक नदी है, मतलब गंगा की त्रिपुत्री से। ये उत्तराखंड से होते हुए हरियाणा में जो है कहां से एंटर करती है? हरियाणा में एंटर करते ये क्लेसर में एक जगह ताजेवाला, यमुनानगर में क्लेसर नेशनल पार्क सबको पता है। ठीक है, वहीं पे एक जगह ताजेवाला, वहां से ये एंटर करती है यमुनानगर में। यमुनानगर होते हुए दोस्तों, यमुनानगर होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए फरीदाबाद, और यह है पलवल। पलवल में यहाँ पे एक जगह है हसनपुर। हसनपुर यहां से ये यूपी चली जाती है दोस्तों, यहां से जो है यूपी चली जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यमुना नदी जो है ये हरियाणा में कहां से एंटर करती है, तो यमुनानगर से क्लेसर, और हरियाणा में कहां तक रहती है? हसनपुर। हसनपुर से कहां एंटर कर जाती है दोस्तों? यूपी में। बात क्लियर है? तो लगभग जो है याद रखना, इसके बाद ये यूपी से होते हुए ये चल जाती है प्रयाग में। प्रयाग मतलब प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, वहां पे ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो गंगा नदी में यमुना नदी कहां मिलती है दोस्तों? प्रयाग में, प्रयागराज। ठीक है, इसकी लंबाई पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए 1375 के जगह 75 भी लिखा हुआ है, तो लगभग 1375 किलोमीटर जो है यमुना नदी की लंबाई है। पूछ लिया गया कि हरियाणा में यमुना नदी जो है ये कितनी दूर तक, मतलब कितनी लंबाई है इसकी हरियाणा में, तो 300 कई जगह 320 लिखा हुआ दोस्तों, कई जगह 328 लिखा हुआ। इतने किलोमीटर जो है यमुना नदी जो है वो हरियाणा में बहती है दोस्तों। ठीक है, और बात के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये याद रखना 1375 किलोमीटर जो है ना दोस्तों, ये जो है यमुना नदी की लंबाई है। ठीक है, और बात करें इसकी यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है दोस्तों, इसकी बहुत सारी क्या है? सहायक नदियां हैं दोस्तों। यमुना नदी की जो है वो सहायक नदियां कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं।
याद रखना, कौन सी नदी? बेतवा नदी, केन नदी, चंबल नदी। चंबल नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, याद रखना, चंबल होगी। इसके अलावा और देखी जाए तो बूढ़ी, पथरालना, तोंस नदी होगी, बेतवा होगी, केन होगी, चंबल होगी, बूढ़ी होगी, पथरालना होगी। ये जो है ना कुछ यमुना नदी की क्या है, सहायक नदी। इसके अलावा यहाँ यूपी में ना नोएडा के पास एक जगह है, ये एक नदी है हिंडन नदी, वो भी यमुना नदी में ही मिलती है। इसके अलावा जो साहिबी नदी है नीचे, वो भी जो है ना नाले के रूप में जो है यमुना नदी में उसका मुहाना होता है, तो उसको भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो मेन जो है ये सात नदियां साहिबी जो है वो कभी कभी जो है मतलब नाले के रूप में जो है यमुना नदी में मिलती है। तो याद रखना, टोंस, बेतवा, केन, चंबल, बोड़ी, पथरालना हो गया, हिंडन नदी होगी। तो ये जो है सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चंबल, जो कि यूपी में इटावा के आसपास जो है वो किससे मिलती है, यमुना नदी से। ठीक है, बात समझ गए। अब यमुना नदी, जो यमुना नदी है इसके कुछ, इस पे कुछ डैम बनाए गए, इस पे कुछ बांध बनाए गए दोस्तों। उस बांधों के नाम पूछ लिया गया आपसे कि यमुना नदी पे कौन कौन से बांध है दोस्तों। तो ये याद रखना, सबसे बड़ा जो डैम है यमुना नदी पे वह है हथनी कुंड डैम। कौन सा दोस्तों? हथनी कुंड डैम, जो कि यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन सा डैम है? हथनी कुंड। इसके अलावा जो है दादूपुर में, यमुनानगर में दादूपुर जो है वहां पे भी इस पे डैम बनाया गया है। पथराला, पथराला डैम भी याद रखना, छोटा मोटा ये है। इसके अलावा कौसल्या, कौसल्या हो गया, ये कुछ क्या है इस पे मेन जो डैम याद रखना आपको, हथनी कुंड डैम। यमुना नदी पे जो सबसे बड़ा डैम है दोस्तों वो कौन सा है? तो हथनी कुंड डैम है। अब यमुना जो नदी है दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, तो पता ही आपको, ये यूपी के साथ हमारा बॉर्डर बनाती है, ये भी बात क्लियर है आपको। अब जो है इस पे ना दोस्तों एक ना नहर बनाई गई थी, पश्चिमी यमुना नहर, याद रखना। 1879 में हरियाणा में आपको पता है एक नहर बनाई गई जिसका नाम रखा गया पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर जो है ताजे वाले से वो नहर बनाया गया है। इसकी हिस्ट्री देखी जाए दोस्तों तो हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है इस पश्चिमी यमुना नहर की। यहीं पे जो है ना फिरोज शाह तुगलक ने जो है 14वीं शताब्दी में भी उसने एक छोटी सी नहर बनवाई थी। इसके बाद जो है शाहजहां के समय ये थोड़ी बहुत इसका पुनर्निर्माण कराया गया, अकबर के टाइम में भी इसका बनाया गया था थोड़ा बहुत। उसके बाद अंग्रेजों ने भी इस डैम में काफी सारी सुधार किए। जो मेन रूप है ना दोस्तों इसका, मेन जो रूप है इसका वो है 1879 में जो है पश्चिमी यमुना नहर बनाई गई थी, जो हरियाणा की ना प्यास बुझाती है। हरियाणा की जो मेन जिले है जहाँ मतलब हरियाणा में जो सबसे ज्यादा खेती होती है ना वो यमुना नदी के पानी से ही होगी। जैसे यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, इधर सिरसा आसपास जितने ये आपको दिख रहे हैं रोहतक तक, ये सारे जो है यहाँ से इसी नहर से जो है ना पानी जाता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यमुना नदी, याद रखना। कोई बात क्लियर। अब और भी कई चीजें हैं, एक याद रखना, दिल्ली में एक जगह ओखला, ओखला में एक नहर और बनाई गई है जिसको गुरुग्राम नहर कहते हैं। तो गुरुग्राम जो नहर है वो फरीदाबाद और गुरुग्राम इन दोनों जिलों को सिंचाई के लिए पानी देती है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में ओखला जो जगह है वहां से एक नहर बना दी गई है। तो ये यमुना इसको गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों जिलों को देती है सिंचाई के लिए पानी देती है दोस्तों यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी जो है आप समझ गए हुए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है हरियाणा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कोई बात क्लियर। तो ये यमुना नदी की कुछ बातें हो गई। अब याद रखना आपको उसके बाद दूसरी जो मेन नदी है हरियाणा की वो आपकी है घग्गर नदी। कौन सी दोस्तों? घग्गर नदी। घग्गर जो नदी है याद रखना ये हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी है। हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी दोस्तों? तो आंसर क्या दोगे आप? घग्गर नदी। ये कहां से निकलती है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ी है ना वहां पे सिरमौर एक जिला है। सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, शिवालिक की पहाड़ियों में सिरमौर एक क्या है जिला है 1927 मीटर की हाइट से जो है ये नदी निकलती है। जगह का नाम याद रखना डगरसोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगरसोई जो है एक जगह है, सिरमौर में ही है ये,
1927 मीटर की हाइट से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? तो गंगा नदी। इस तरह से जो है माला होते हुए इस तरह से जीने मिल जाती है, अलग अलग जींस के ऊपर से डरती हुई इस तरह से सिरसा की तरफ जाके ये चले जाते हैं किधर, हनुमानगढ़ की तरफ। राजस्थान में आपको पता है एक बीकानेर के पास हनुमानगढ़ है, वहां पे ये नदी वहां तक बहती है, अलग अलग। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं मैं। एक ना प्राचीन समय में पानीपत के पास ही जो है ना एक अरावल सागर हुआ करता था। अरावल सागर याद रखना, मतलब ऐसे भार्गव जो है ना एक हरियाणा के एक साइंटिस्ट माने गए एक अरावल, उन्होंने क्या कहा कि यमुना नदी जो है ना पहले जो है अरावल जो सागर था ना यहीं पे जो है ना, मतलब जो अरब सागर है ना आज के समय, अरब सागर जो है कहाँ पे है, आप देखो गुजरात की साइड है जो है वो वहां ना होकर ना दोस्तों, वो वहां ना होकर जो समुद्र था वो पानीपत के आसपास के एरिया में ही था, यहाँ पे समुद्र था ऐसे, ऐसा जो है कई वैज्ञानिक मानते हैं। तो कई किताबों में लिखा गया है कि यमुना नदी जो है वो अरावल पर्वत अरावल जो सागर है यहीं पे इसकांत हो जाता था। ठीक है, अरावल पर सागर याद रखना, ये पानीपत के आसपास के एरिया में हुआ करती थी। वक्त के अनुसार जो है यहाँ का पानी जो है सूखता गया और समुन्द्र दूर हो गया, मतलब पहले समुन्द्र यहीं पे था, अब समुन्द्र कहाँ चला गया दोस्तों? महाराष्ट्र गुजरात की साइड। ठीक है, गंगा नदी की बात करी हमने, तो गंगा नदी जो है सिरमौर जिला जो है हिमाचल प्रदेश 1927 मीटर की हाइट से डबसोई नामक स्थान से निकलती है, समझ लो बात। ठीक है, अब जो गंगा नदी है दोस्तों याद रखना, गंगा नदी जब चलती है इसके आसपास जो नाले होते हैं ना, कुछ नाले जो है गंगा नदी में आके मिलते हैं, उन नालों का ना दोस्तों चो कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि गंगा नदी में जो नाले मिलते हैं उन नालों को क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं चो। क्या बोलते हैं? चो। और वही बात की जाए कि गंगा नदी जो है गंगा नदी की वजह से जो मैदानी इलाकों में बाढ़ आती है ना, उन इलाकों को हम बोलते हैं नैली। नैली याद रखना दोस्तों, ये है आपके नाले चो जो है, जो गंगा नदी में आके मिलते हैं जो नाले उनको चो बोलते हैं, और जो बाढ़ के मैदान है जो गंगा की वजह से बाढ़ आती है जिनमें, वो है नील, उन जगह को क्या बोलते हैं? नील। बात समझ आ गई। अब याद रखना पाकिस्तान में हाकरा जो है ना, हाकरा एक नदी है, ऐसा माना जाता है कि जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी जो है 291 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब वहां से जहां से निकलती है 291 किलोमीटर चलने के बाद जो है ये रेगिस्तान में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। रेगिस्तान में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कहां पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जगह पे, हनुमानगढ़ जो है बीकानेर के पास। ऐसा माना गया है कि जो ये जो हाकरा, सॉरी मैंने हाकरा लिख दिया, हाकरा जो नदी है पाकिस्तान में जो बहती है, वो ऐसा कहा जाता है कि वो घग्गर का ही रूप, मतलब एक जमाने में घग्गर ही नदी थी वो, मतलब यहां से बहती हुई वो घग्गर, जो घग्गर नदी आज यहाँ खत्म हो गया था वो पाकिस्तान तक बहती थी। तो हाकरा जो एक छोटी सी नदी है पाकिस्तान में, ऐसा कहा जाता है ये घग्गर नदी का ही एक रूप है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा पूछेंगे आपसे कि घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी में, घग्गर नदी पे एक डैम दिया करना, घग्गर नदी पे कौन सा डैम है? तो आप बताओगे बीरराज डैम जो है ये कौन सी नदी पे है? घग्गर नदी पे है। कहाँ पे है? सिरसा में है। सिरसा में एक जगह ओटू जो है वो एक जगह है, कहाँ पे? सिरसा में। यहाँ पे कौन सा डैम है? बीरराज डैम, याद रखना। बीरराज डैम कौन सी नदी पे है? तो घग्गर नदी पे, समझ के बात, घग्गर नदी। ये दो नदियां हो चुकी हैं दोस्तों, एक तो कौन सी? यमुना नदी जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन सी आपकी? घग्गर नदी। अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली नदी जो है वो याद रखना, हम बात कर रहे हैं सरस्वती की। अगली जो नदी है कौन सी है दोस्तों? सरस्वती। तो सरस्वती नदी जो है दोस्तों, इसको पहले मैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री आपको बता दूं कि इसको ना ऋग्वेद में और आर्यों ने भारत की सबसे पवित्र नदी किसे कहा? भारत की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया? आर्यों ने किसने कहा? तो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को आर्यों ने और ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया? सबसे पवित्र नदी। और पूजने की बात की जाए तो गंगा के बाद दूसरी सबसे पूजनीय नदी किसको कहा गया? सरस्वती को, नदी को कहा गया, समझ गए बात। आज के समय अगर बात की जाए, आज के समय की बात की जाए तो सरस्वती जो नदी है ना, सरस्वती नदी जो है वो है ही नहीं कोई नदी। सरस्वती नदी जो है वो है ही नहीं एक्चुअल में, वहां पे कोई इतना ज्यादा पानी है नहीं दोस्तों। एक जमाने में बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी,
बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हम मोटी मोटी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने बताया सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले से जो है इसकी एक छोटी सी ब्रांच निकलती है और हरियाणा में, हरियाणा की यमुनानगर में आदि बद्री एक जगह है, आदि बद्री जो जगह है यहां से एंटर करती है सरस्वती नदी हरियाणा में। आदि बद्री जगह से हरियाणा में एंटर करती है कौन सी नदी दोस्तों? सरस्वती नदी। समझ लो बात। अब याद रखना सरस्वती जो नदी है ये जब हरियाणा में एंटर करती है इसके बाद जो है इस तरह से बैठते हुए अंबाला में, अंबाला से बैठते हुए इस तरह से ये कुरुक्षेत्र में एंटर करती है। कुरुक्षेत्र में जो है ना पेहवा नामक स्थान पे, कुरुक्षेत्र में पेहवा नामक स्थान पे जब सरस्वती नदी किससे मिल जाती है? मारकंडा नदी से। तो आधुनिक सरस्वती नदी का निर्माण होता है। तो आधुनिक जो सरस्वती नदी है वो मेन रूप उसका कहाँ पे स्टार्ट होता है? तो पेहवा में जो है ना, पेहवा में जो मारकंडा नदी जो है इससे मिल जाती है। किससे तो आप बताओगे? सरस्वती नदी से। और आधुनिक सरस्वती नदी का निर्माण होता है, मतलब असली पानी जो है उसमें कहाँ आता है? सरस्वती नदी में। तो पेहवा नामक स्थान है कुरुक्षेत्र में, वहां पे जब मारकंडा नदी से मिल जाती है तब। ठीक है। प्राचीन समय में ये, इसको बोला गया कि जो सरस्वती नदी है ना ये भी जो है यहीं पे इसके आसपास जो अरावल पर्वत था एक वहीं पे लुप्त तो ये चली जाती थी। मतलब सागर, मैंने बताया ना पहले सागर कहाँ था? हरियाणा के इस वाले हिस्से में सागर हुआ करता था, अब सागर दूर चला गया। तो इसके अलावा आपको पता है ये जो बनारस या का बनारसी है, इलाहाबाद जो है आज के समय प्रयागराज हो गया है, ऐसा कहा जाता था कि सरस्वती नदी जो है ना इसकी दो ब्रांच थी, एक तो चली जाती थी नॉर्थ यूपी की तरफ और एक चली जाती थी पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। इसलिए कहते हैं ना गंगा जल, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। तो आज के समय तो वहां पे यमुना है और गंगा है, सरस्वती तो कोई नदी नहीं है। ठीक है। एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि यमुना जो ये सरस्वती नदी है वो यमुना के साथ ही जो है कहाँ मिलती थी? गंगा नदी में, कहाँ पे? प्रयागराज। ठीक है, समझ के बात। अब और चीजें याद रखना, सरस्वती जो नदी है इसका नाम पूछ ले सरस्वती नदी क्यों है? तो सरस्वती का मतलब होता है आपको गड्ढों की नदी, गड्ढे, गहरे गड्ढे। सरस्वती का मतलब क्या होता है दोस्तों? गहरे गड्ढे। इस नदी में बहुत ज्यादा गड्ढे हुआ करते थे इसलिए इसको गड्ढे सरस्वती नाम पड़ा, इसका याद रखना। और इसको देवी नदी इसलिए कहा गया, ये बहुत ज्यादा देवी नदी भी कही जाती है इसको, क्योंकि जब ये चलती है ना दोस्तों कई जगह लुप्त हो जाती है, कई जगह ऊपर आ जाती है, मतलब कई बार जमीन के अंदर चली जाती है, कई बार आ जाती है। तो इसलिए इसको देव्य रूप दे दिया गया कि सरस्वती नदी जो है कई कई जगह जो है ये लुप्त हो जाती है, चलते चलते लुप्त हो जाती है, इसलिए इसको देव्य नदी भी कहा गया है कई किताबों में। ठीक है, सरस्वती नदी। इसके अलावा बात करें कुछ हमारे जैसे पूरा, जैसे हमारे जो पुराण है, हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ना इसके बारे में लिखा है सरस्वती नदी के बारे में कि इसमें स्नान करने से सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, सारे पाप धुल जाते थे उस जमाने में, ऐसा कहा जाता है सरस्वती नदी में। इसके अलावा हमारे जो पुराने महर्षि थे वो इसके किनारे ही बैठ के बहुत उन्होंने वेद लिखे हैं, उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ जो है, महाकाव्य जो है वो सरस्वती नदी किनारे बैठ के लिखे, तो काफी फेमस नदी हुआ करती थी आज से 2,500 साल पहले की आप बात मान लीजिए। ठीक है, वही बात क्लियर। तो ये होगी आपकी सरस्वती नदी दोस्तों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको ना पुन उत्थान करने के लिए ना, ये भी याद रखना, सरस्वती नदी को ना दोबारा से उत्थान करने के लिए, इसकी खोजने के लिए हरियाणा में जो है सरस्वती एक विरासत, एक विभाग बनाया गया है। सरस्वती क्या है? विरासत विभाग भी बनाया गया है, जिसके ना अध्यक्ष जो है ना सीएम जी, हमारे देश, हमारे राज्य के जो सीएम होंगे ना, मनोहर लाल जो खट्टर है, वही क्या है सरस्वती विरासत एक बोर्ड बनाया गया है उसके अध्यक्ष। ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं और इसका काम चल रहा है। आपको पता होना चाहिए यमुनानगर में मुगलों वाली जगह, वहां पर इसकी खुदाई होती है और ऐसा कहा गया कि ये धरती के नीचे बह रही है। धरती के नीचे बह रही है कौन सी नदी? तो सरस्वती नदी। ठीक है। तो इसका काम चल रहा है और हाल ही में एक मुस्तफाबाद एक जगह थी उसका नाम सरस्वती नगर कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुनानगर में मुस्तफाबाद जगह थी ना उसका नाम सरस्वती नगर रख दिया गया था इसी नदी के नाम से। अगली नदी जो है उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अगली नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। अगली नदी कौन सी दोस्तों? मारकंडा। मारकंडा जो नदी है दोस्तों ये निकलती कहाँ से आपसे पूछ लिया गया, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये भी निकलती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से निकलती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से निकलती है नदी। हिमाचल प्रदेश से कहाँ से?
तो हिमाचल प्रदेश से आपको पता होना चाहिए, ये वाला सारा आपका मोरनी वाला क्षेत्र है पंचकुला में, इधर शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में से ये नदी निकलती है मारकंडा और अम्बाला में एंटर करती है, अम्बाला में एंटर करती है नदी। और पूछ लिया गया कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलती है मारकंडा, तो धरती धर जगह है रखना, हिमाचल प्रदेश में धरती धर जगह जो है वहां से मारकंडा जो है नदी निकलती है दोस्तों और अम्बाला में एंटर करती है। अम्बाला में कहाँ एंटर करती है दोस्तों, आदि बद्री, अम्बाला में आदि बद्री जो जगह है, सॉरी ये कह रहा हूँ काले आम जो जगह है कहाँ पे दोस्तों, अम्बाला में, वहां से मारकंडा नदी जो है वो कहाँ पे एंटर करती है, अम्बाला में दक्षिण की ओर बहने पर दक्षिण की ओर बहती चली जाती है और कुरुक्षेत्र में आपको बताया मैंने पेहवा जो जगह थी वहां पर सरस्वती नदी के साथ ये मिल जाती है और आधुनिक जो है सरस्वती नदी का निर्माण होता है, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र में याद रखना एक झील है दोस्तों, अरुणाई एक गांव है, वहां पे अरुणाई क्या है एक गांव है, कहां पे कुरुक्षेत्र में, वहां पे एक सनीसा झील है, सनीसा क्या है झील है, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये नदी जो है कहां मिलती है, मैंने बताया ना कि सरस्वती नदी जो है और मारकंडा नदी कहां मिलती है, पेहवा मिलती है ना, तो पेहवा जो है वहां पर एक जगह है अरुणाव गांव है, ये क्या है गांव है, अरुणाव जो है ये क्या है गांव है, जहां पे एक झील है सनीसा झील, यहां पे ये नदी जो है ना आपस में मिल जाती है सरस्वती नदी और मारकंडा नदी, ठीक है। ये भी बहुत प्राचीन नदी है मारकंडा नदी, मारकंडा एक ऋषि मुनि का नाम हुआ करता था, ठीक है। अब जो मारकंडा नदी है दोस्तों इसकी कुछ क्या है सहायक नदियां और भी है, जैसे इसकी सहायक नदियों के नाम पूछ लिया गया तो टांगरी हो गया, इसका मतलब आपसे पूछ लिया गया धन, जो मारकंडा नदी है इसकी सहायक नदियों का नाम पूछ लिया गया तो क्या बताओगे आपको दोस्तों, रन नदी, बेगना और नकटी, ये जो है मारकंडा की क्या है दोस्तों सहायक नदियां, रन बेगना और नकटी जो है ये मारकंडा की क्या है सहायक नदियां, मारकंडा हो गया, मारकंडा के दोस्तों अगली नदी जो हम बात करने वाले हैं जिसकी वो आपकी है टांगरी नदी, टांगरी कई जगह इसको कई जगह टांगरी कई जगह टांगरी कई जगह ये टाबी आ जाता है टांगरी टांगरी सब बात एक ही बात है दोस्तों, कि जो टांगरी या टांगरी जो नदी है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है मोरनी की पहाड़ियाँ जो है मोरनी की पहाड़ियों से जो है ये नदी जो है हरियाणा में एंटर करती है, हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है तो पंजोखरा, हरियाणा में जो जगह है पंजोखरा यहाँ से हरियाणा में एंटर करती है नदियाँ, ठीक है। उसके बाद इसकी जो दो ब्रांच हो जाती है एक तो अम्बाला कैंट होती है, अम्बाला कैंट की तरफ से जो है इसकी एक ब्रांच, एक पंजाब की साइड से दो इसकी ब्रांच हो जाती है याद रखना, ठीक है। तो पंजोखरा सेंटर करती है याद रखना है, कहाँ से निकलती है मोरनी के पहाड़ी से निकलती है, इसकी दो सहायक नदियां ये याद रखनी है आपको, इसकी दो सहायक जो नदी है कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो बलियाली और दूसरी जो नदी है वो है आपकी आमरी नदी, ये दो सहायक नदियां आपको याद रखनी है। तो बलियाली जो नदी है दोस्तों ये भी मोरनी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। आमरी जो नदी है ये नदी निकलती है, आमरी जो नदी है कहाँ से निकलती है तो यमुनानगर में राधौर नामक स्थान से ये नदी निकलती है, राधौर नामक स्थान से एक सीजनल नदी है बरसाती नाला है याद रखना, बलियाली और आमरी जो ये तो मोरनी की पहाड़ी से हो रही है, राधौर नामक स्थान से आमरी नदी निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये टांगरी नदी होगी, टांगरी नदी के बाद मैंने आपको बताया एक छोटी सी नदी और हुआ करती थी आपका, एक जमाने में बहुत बड़ी नदी थी, आज के समय में नागपुर पर है आपका जो नदी है दोस्तों सरस्वती नदी, एक द्रविड़ नदी हुआ करती थी उसके समांतर जो है नदी भी बहा करती थी एक जमाने में, आज इस समय में इसको निचली खाट भी बोला जाता है, निचली खाट के नाम से किसको जाना जाता है तो आपको क्या बोलता हूँ आपका नदी को, ठीक है। ऐसी कोई नदी नहीं आज के समय में, छोटे से ही नाला से ही है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम अगली नदी जो है वो आपकी तांगड़ी होगी, आपकी इसके बाद बात कर लेते हैं हम चेतंग नदी, चेतंग या चेतांग नदी बोल देते हैं इसको, चेतंग चेतांग बातें की है, ठीक है। तो जो चेतांग नदी है ये भी निकलती कहां से दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है नदी, हिमाचल प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। एक जमाने में ये जो है ना घाघर इसकी घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी याद रखना, ये घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। और दूसरी नदी एक राक्षी नदी, राक्षी रास्ती जो नदी है दोस्तों ये हरियाणा में यमुनानगर में ना एक बिलासपुर एक जगह है वहां से निकलती थी और
लाडवा एक जगह है, लाडवा नामक जगह पर चेतन और राक्षी जो नदी है ना ये आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। चेतन नदी और राक्षी नदी जो आपस में कहाँ मिल जाती है, तो लाडवा नामक स्थान पर, ये आपको याद होना चाहिए। मेन तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ये इतनी ज्यादा बड़ी नदियां है नहीं, नाले ही है, पानी इसमें बिल्कुल रह गया। पहले टाइम में बड़ी नदियां हुआ करती थी, ठीक है। तो ये बात हमने कर दी है हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट के जो नदियां थी ना दोस्तों, ये पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम हरियाणा की जो साउथ की मतलब दक्षिण हरियाणा की जो मेन नदी है, उनमें सबसे पहली नदी का नाम आता है दोस्तों साहिबी नदी। पहली नदी कौन सी है? साहिबी नदी। तो साहिबी जो नदी है दोस्तों, ये बात याद रखना, पहले राजस्थान में ना, राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां, आपको पता है राजस्थान में क्या है, अरावली की पहाड़ियां हैं। उसको हम कई जगह उसको आपको, ये जो निचला हिस्सा है ना हरियाणा का, यहाँ ये आपको पता है राजस्थान से कॉन्टेक्ट में, तो अरावली का हिस्सा ही है। तो यहाँ पे नीचे जयपुर है, तो कई बार इसको जयपुर की पहाड़ियां बोल देंगे। मेवात वाले एरिया के आसपास इसको क्या बोल दिया जाएगा आपको, मेवात की पहाड़ियां, और महेंद्रगढ़ के आसपास के एरिया में ढोसी की पहाड़ियां बोल दिया जाएगा, कई जगह सीवर की पहाड़ियां बोला जाएगा। तो ये सारे हिस्से जो है ना अरावली के ही याद रखना, जयपुर की पहाड़ियां होंगी, ढोसी की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, सीवर की पहाड़ियां, ये सारी जगह किसके पहाड़ है दोस्तों, तो आप बताओगे अरावली के, ठीक है। कई किताब में अलग अलग लिखा हुआ, तो आपको समझ जाना है कि अरावली ही की भाग है सर। हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसलिए जो भी पहाड़ है यहाँ पे वो क्या है, इसके हिस्से हैं, तो आप बताओगे अरावली के, उनके अलग अलग जो है ना अलग अलग नाम है, ठीक है। तो हरियाणा की जो दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, वो कौन सी है, साहिबी नदी। अब ये साहिबी नदी जो है दोस्तों कहाँ से निकलती है, तो मैंने बताई दी आपको, ये नीचे जो है साहिबी नदी जो है अरावली की पहाड़ियां हैं, या कई बार इसको जयपुर की पहाड़ियां बोल लेंगे, ठीक है, कई बार सीवर की पहाड़ियां बोल लेंगे। बात एक ही है, वहां से निकलती है, मतलब राजस्थान में जो है आप बोल सकते हो अरावली की पहाड़ियों में जो एक जगह है, अरावली की पहाड़ियों में जो है आप बोल सकते हो जयपुर की पहाड़ियां बोल लो, ठीक है। जयपुर की पहाड़ियों से जो है होती हुई जो है हरियाणा में कहाँ एंटर करती है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी में कोटकासी, रेवाड़ी के कोटकासी में एंटर करती है, और इसकी जो है रेवाड़ी में कोटकासी नामक जगह पे यहाँ पे एंटर करती है, ठीक है। इसके बाद ये बहते बहते झज्जर की होते हुए, झज्जर होते हुए रोहतक तक जाती है, ठीक है। तो ये बाद में जो है इसका जो है ना, इसका जो एक रूप है जो साहिबी नदी है, ये ऐसे बहते हुए रोहतक तक जाके ना, इसकी छोटा सा रूप है ना, इसका छोटा सा रूप जो है, इसका जो मुहाना है ना, इसका मुहाना जो है यमुना नदी की तरफ खुलता है, उसके साहिबी जो नदी है इसका मुहाना जो है किधर की साइड से, तो आप बताओगे यमुना नदी की तरफ जो है इसका मुहाना है, ठीक है। तो पूरे दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी साहिबी नदी है, इसके बाद इसकी कई सारी नदियां, दूसरी नदी हम करते हैं हरियाणा जो साउथ में है, हरियाणा के दक्षिण में, वो आपकी इंदौरी नदी। इंदौरी जो नदी है दोस्तों, इंदौरी नदी जो है ये निकलती है जयपुर की पहाड़ी को, या आप कह दो इसको मेवात की पहाड़ियां, यहां से निकलती है, एक जगह है इंदौर नामक, इंदौर एक जगह है, वो मध्य प्रदेश वाला इंदौर में है, इंदौर एक गांव है यहाँ पे, वहां से निकलती है कौन सी नदी दोस्तों, तो इंदौरी नदी। अब इंदौरी जो नदी है ना दोस्तों, इसकी दो ब्रांचें होती है, दो ब्रांचें हैं, दोनों जो है साहिबी नदी में मिलेगी। तो इंदौरी जो नदी है ये साहिबी नदी की ही क्या है, सहायक नदी है। इसकी जो एक ब्रांच है ना दोस्तों, साहिब जो आपकी इंदौरी नदी है, इसकी एक ब्रांच जो है वो रेवाड़ी में जाएगी, रेवाड़ी में जो है एक ब्रांच इसकी जाएगी, ठीक है, एक ब्रांच जो है इसकी रेवाड़ी में, और एक ब्रांच जो है दोस्तों गुरुग्राम में जो है ना पटौदी नामक स्थान पर ये साहिबी मिलेगी। एक इसकी ब्रांच जो है कहाँ मिलेगी, तो रेवाड़ी में। दूसरी ब्रांच जो है साहिबी में कहाँ मिलती है, तो दोस्तों तो गुरुग्राम में आपको पता पटौदी एक जगह है, वहां पे साहिबी जो है साहिबी नदी से मिल जाती है, कौन सी, इंदौरी की दूसरी ब्रांच, ठीक है। तो साहिबी होगी, इंदौरी होगी, इसके बाद जो है तीसरी जो नदी है जो दक्षिण हरियाणा की है दोस्तों, वो है कृष्णावती नदी। कृष्णावती जो नदी है इसको कई जगह कुंतावती नदी भी कहा गया, कृष्णावती नदी को कई जगह क्या बोला गया दोस्तों, कृष्णावती नदी को कुंतावती, तो बात थी एक ही हमारे ध्यान रखना, कुंतावती या कृष्णावती, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी वहीं से निकलेगी, आपसे पूछ लिया गया कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीम का थाना, राजस्थान में जो है नीम का थाना है, अरावली की पहाड़ियों में, जयपुर की पहाड़ियां कह लो आप, या उसको आप क्या बोलो ढोसी की पहाड़ी, सारी बात देखी है, ठीक है। तो वहां से निकलती है, कहां से, नीम के थाना नामक स्थान से निकलती है, और ये कहां एंटर करती है, कृष्णावती नदी जो है ये दोस्तपुर एक जगह है, दोस्तपुर एक जगह है, वहां पर जो है दोस्तपुर जगह जो है वहां पर जो है नदी खत्म हो जाती है, कौन सी नदी, तो कृष्णावती नदी, कृष्णावती या कुंतावती। सबसे लास्ट जो नदी है हरियाणा की, वो है दोस्तों आपकी दोहान नदी।
दोहान नदी बीच जो है वो आपको पता है ये भी कहां से निकलती है, वहीं से जहां से आपकी कोस में निकलते हैं कृष्णावती, नीम का थाना वहां से निकलती है, और नीम का थाना होते हुए दोस्तों, नीम का थाना होते हुए 29 किलोमीटर बहने के बाद जो है ये भी कहां चली जाती है दोस्तों, तो महेंद्रगढ़ होते हुए लास्ट में नदी आपको गायब हो जाएगी। इस तरह से जो है हरियाणा की जो है मेन मेन नदियां हैं, साउथ की जो मेन नदियां याद रखना साहिबी जो है मेन नदी है, बाकी जो मेन नदियां हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, यमुना नदी, ठीक है। तो ये नदियों का टॉपिक था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में।